हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे, ठीक है, और अपना अपना काम कर रहे होंगे और अपने जो है एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो देखो, आज दोबारा से हम लिपिड पढ़ने वाले हैं। लिपिड की आई थिंक के क्लास नंबर 4 है एंड सेल बायोलॉजी की क्लास नंबर आपकी 5 है, ठीक है। तो देखो, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, लिपिड को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आज तो वैसे भी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हम बात करेंगे जितने भी लिपिड आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है ना। सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब है, ठीक है, तो थोड़ी आपको आवाज़ में भी चेंजिंग मिलेगी, तो बट कोई बात नहीं, आपको जो है लिपिड पढ़ना है। कॉन्सेप्ट आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको पता है, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे कुछ भी हूँ, आपको मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल ही डिटेल में आपका कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था। हम इस लिपिड को पढ़ चुके थे कि लिपिड क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ लिया है हमने अभी तक। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, यहाँ पर हम फैटी एसिड को पढ़ चुके हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, टीजी क्या होता है, वैक्स क्या होता है, इनको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इतना पोर्शन हमने पढ़ लिया है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरॉइड के बारे में। ये तीनों लेक्चर हो जाएंगे, मतलब तीनों टॉपिक हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, और जितना इसमें से बचता है आपको मैं वो कराऊंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जितना यहाँ पर नीडेड है उससे कुछ फालतू ही करवा दूंगा, बाकी जो बचेगा 1-2% वो आपका मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में करवा दूंगा, जो बेसिक इसके थोड़े बहुत फंक्शन बचेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो कल है, कल इकोसोनोइड एंड आपका प्लाज्मा लिपोप्रोटीन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कल ऑलमोस्ट आपका ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं, और जब स्टार्ट कर लेते हैं तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आई थिंक अगर आप जो है डायरेक्ट इस क्लास पर जंप किए हो तो आपको पिछली क्लासें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर मैं ये सब चीज़ जितनी भी मैं स्किप कर रहा हूँ ये सब चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और समझा चुका हूँ एक एक बात को। जो जो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों को मैं यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि आपके जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड पाए जाते हैं, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर कौन कौन से लिपिड पाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि लिपिड जो है आपके बाई लेयर की बनी हुई होती है, ठीक है ना। लिपिड जो जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाई लेयर की बनी हुई होती है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारी जो है मेम्ब्रेन में लिपिड पाया जाता है। तो याद रख लेना, हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, हमारी कह लो, प्लांट की कह लो, इवन जो भी आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी की भी हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी की भी हो, बेसिक कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है, बट आपका प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स में थोड़ी जो है बॉन्डिंग आ जाती है, ठीक है ना। बॉन्डिंग में डिफ्रेंशिएट आ जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है ना। जिसने माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर देखे होंगे सही है, जिसने नहीं देखे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये तीनों के तीनों आपके मेम्ब्रेन को बनाते हैं, ठीक है ना, तीनों के तीनों मेम्ब्रेन को बनाते हैं। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड में आपके चार कंटेंट होते हैं, कि चार कंटेंट से मिलकर के बना होता है। ग्लाइकोलिपिड भी आपका चार कंटेंट से मिलकर के बना हुआ था, देखेंगे आगे। और कोलेस्ट्रॉल आपका फर्दर स्टेरॉइड को बनाता है, ठीक है ना, स्टेरॉइड को भी बनाएगा एंड आपका जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो चलिए आइए फास्फोलिपिड से स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपका फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं। तो देखो, जैसे कि फास्फोलिपिड है तो इसमें आपको चार कंटेंट चमक रहे हैं, इसमें कितने कंटेंट हैं, चार कंटेंट हैं। कौन कौन से कंटेंट हैं चार, तो वो देखो, सबसे पहला आता है आपका फैटी एसिड, फैटी एसिड जो कि टैल की तरह काम करता है, ठीक है ना। फैटी एसिड जो कि किसकी तरह काम करेगा, टैल की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर देखो, ये कलर मुझे नहीं पता कौन सा है, मैं इसको लाल कलर कहूँगा भाई साहब, क्योंकि देखो मुझे ज़्यादा कलर का नहीं पता, मुझे इतना पता होता है, ये पीछे मेरे हरा है, एक ब्लैक कलर जानता हूँ मैं, येलो कलर जानता हूँ, तो कलर की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लाल कलर बोल रहा हूँ। तो ये जो आपका लाल कलर है, यहाँ पर देखो एक चैन कैसी पाई जा रही है आपकी, स्ट्रेट पाई जा रही है, यानी कि सीधी पाई जा रही है, और एक चैन कैसी पाई जा रही है आपकी, वो थोड़ी बैंड हो चुकी है। तो जो सीधी चैन है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी
सैचुरेटेड, ठीक है ना, ये कहलाएगी आपकी सैचुरेटेड, जबकि ये जो चैन आपकी वैंड हुई है ये कहलाएगी आपकी अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। और ये वैंडिंग क्यों होती है, ड्यू टू डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखो आपको एक डबल बॉन्ड नज़र आ रहा होगा, और जहाँ से भी ये डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है यहीं से ही इसका वैंडिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर एक फैटी एसिड पाया गया है, इसको बोलेंगे नंबर वन, ठीक है ना, इसको बोलेंगे नंबर वन कॉन्स्टिट्यूट। यहाँ पर याद रख लेना, या तो ये जो चैन होती है फैटी एसिड, यहाँ पर हमारी एक चैन अनसैचुरेटेड हो सकती है या फिर सैचुरेटेड हो सकती है, या फिर ऐसा हो कि दोनों की दोनों चैन जो है वो अनसैचुरेटेड हो, या फिर दोनों की दोनों जो है सैचुरेटेड हो, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी पॉसिबल होता है, हमेशा यही नहीं होता कि एक सैचुरेटेड है एक अनसैचुरेटेड है, तो लेकिन मोस्टली जो होता है आपका एक सैचुरेटेड मिलेगी एक आपको अनसैचुरेटेड मिलेगी। और याद रख लेना ये फैटी एसिड एज ए टैल की तरह काम करती है, ठीक है ना। तो किसकी तरह काम करती है, टैल की तरह, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका आता है एक बैकबोन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बैकबोन। अब ये बैकबोन आपका दो प्रकार का हो सकता है, या तो ग्लिसरॉल हो, या तो आपका ग्लिसरॉल हो, या फिर आपका स्फिंगोसिन हो, या तो ग्लिसरॉल हो या फिर आपका स्फिंगोसिन हो। तो बैकबोन में आपका दो प्रकार का होता है, मैंने आगे लिख रखा है, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बैकबोन आपका दो प्रकार का हो सकता है, या तो ग्लिसरॉल हो या फिर आपका स्फिंगोसिन हो। मोस्टली जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो ग्लिसरॉल बेस के ऊपर पाई जाती है, ठीक है ना, जो मोस्टली मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद नंबर तीन आता है ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। नंबर तीन क्या आएगा, ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, यही आपको क्या काम कराएगा, यही इस लिपिड के अंदर चार्ज प्रोवाइड कराता है, ठीक ना। ये क्या काम करवाएगा, ये आपको चार्ज प्रोवाइड करवाने वाला है, ठीक है, चार्ज प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद ये था आपका नंबर तीन, ठीक ना, ये था नंबर तीन, ये था आपका दूसरा बैकबोन। एंड नंबर फोर आपका आता है अल्कोहल, ठीक है। नंबर फोर क्या आता है, अल्कोहल आता है। अल्कोहल भी हमें चार्ज प्रोवाइड कराता है, इस बात को याद रख लेना। तो देखो नंबर तीन फॉस्फेट भी चार्ज प्रोवाइड करा रहा है, और नंबर फोर अल्कोहल भी चार्ज प्रोवाइड करा रहा है, और जो आपको चार्ज प्रोवाइड करवाए उसको बोलते हैं हम पोल, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पोलर। तो यहाँ पर इसको बोला गया है पोलर हेड, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला गया है, पोलर हेड बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब जो है इसमें जो आपका फॉस्फोलिपिड है इसमें चार कंपोनेंट पाए जा रहे हैं। पहला कौन सा, फैटी एसिड। दूसरा एक बैकबोन पाई जा रही है जिसमें ग्लिसरॉल हो सकता है या फिर आपका स्फिंगोसिन्स हो सकता है। नंबर तीन आपका फॉस्फेट पाया जा रहा है, एंड नंबर फोर क्या पाया जा रहा है आपका, वो पाया जा रहा है आपका अल्कोहल। और इस अल्कोहल के बेस पर याद रख लेना, इस अल्कोहल के बेस पर और इस ग्लिसरॉल के बेस पर हम फॉस्फोलिपिड को कई सारे नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल कोलीन, फॉस्फेटिडाइल इनोल, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, ठीक है ना। तो ये जो मैं नाम को प्रोनंसिएशन कर रहा हूँ, ये नाम मैंने कहाँ से लिए, ये मैंने लिए कि अल्कोहल कौन सा है उसमें, ठीक है ना। तो हम अभी देखने वाले हैं कि किस किस प्रकार से मैं नाम का प्रोनंसिएशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं इसके बाद क्या होने वाला है, कि हम आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे थोड़ा और तामझाम फॉस्फोलिपिड के बारे में, कि फॉस्फोलिपिड एक्चुअली असल में होता क्या है। तो देखो फॉस्फोलिपिड में याद रख लेना कि आपके चार कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। कितने कंपोनेंट पाए जाते हैं आपके, तो आपके चार कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब ये चार कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है फैटी एसिड जो कि टैल की तरह काम करता है, ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन आपका वैकवोन की तरह काम करता है, याद रख लेना वैकवोन की तरह काम करता है, और जो आपका फॉस्फेट एंड अल्कोहल ये दोनों जो होते हैं ये आपका पोलर हेड की तरह काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं, पोलर हेड की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखो अब फॉस्फोलिपिड की आप खुद प्रॉपर्टी देखो, फॉस्फोलिपिड की जब आप प्रॉपर्टी देखोगे तो हम कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड पर आपका कोई सा ना कोई सा चार्ज पाया जाएगा, ठीक है ना। चार्ज क्यों पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पोलर एंड पाया जा रहा है, और ड्यू टू दिस पोलर एंड फॉस्फोलिपिड हैव ए चार्ज, ठीक है ना। वो चार्ज आपका निगेटिव हो सकता है, स्पेसिफिकली वो चार्ज आपका हमेशा निगेटिव ही जाता है, मतलब 100% तो नहीं लेकिन 99% आपका जो चार्ज होता है फॉस्फोलिपिड पर वो अब चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, अब ये कितनी कितनी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो जैसे कि आपको पता है, अगर आपका कोई भी मैं यहाँ पर ग्लिसरॉल बनाऊँ CH2OH, ठीक है ना, इसके बाद CH2CH
ओ एच, यहाँ पर मैं ओ एच बना देता हूँ, एंड ये फिर आपका नीचे जो है सी एच टू, सी एच टू ओ एच, ठीक है ना। तो ये आपका जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपका ग्लिसरॉल का। तो ग्लिसरॉल में मुझे बताओ यहाँ पर कितने बॉन्ड बन सकते हैं, तो तीन बॉन्ड बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पीछे भी बताया था, एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना, और एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। तो याद रख लेना, फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि पहले पहले कार्बन, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है ग्लिसरॉल में। तो ग्लिसरॉल के पहले कार्बन, अगर ग्लिसरॉल है तब, ठीक है ना, स्पिंगोसिन का भी इस डायग्राम सेम ऐसे ही होता है जैसे आपका ग्लिसरॉल का होता है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है कि अगर कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड से आपका हमेशा फैटी एसिड अटैच होगा, ठीक है ना, कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन टू से आपका हमेशा फैटी एसिड अटैच होगा। ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकंड है, ठीक है ना। अब इस जो कार्बन थर्ड है, इससे एक फोस्फेट, इससे क्या अटैच होगा, अब एक फोस्फेट ग्रुप आकर के अटैच होने वाला है। बट फोस्फेट ग्रुप आकर के अटैच होता है तो वो इधर की साइड में होता है, जैसे कि डायग्राम दिख रहा है आपका, बट यहाँ पर क्यों नहीं हुआ तो उसका जो रीजन है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर हम यहाँ पर फोस्फेट ग्रुप को अटैच कर देंगे, फोस्फेट ग्रुप को अटैच करेंगे, तो फिर इससे जो हमें अल्कोहल जोड़ना है, जो इससे हमें अल्कोहल जोड़ना है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेगा। वो कैसा काम करेगा, आपका स्टेरिक हिंड्रेंस को शो करेगा। एक सेकेंड, तो देखो अगर हमने यहाँ पर फॉस्फेट इधर की साइड में जोड़ दिया तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो करेगा। इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, नेचर ने बड़ा अच्छा काम कर दिया कि इस OH ग्रुप को उठा करके पलट दिया और इसको इधर की साइड में रख दिया। इसको कहाँ पर रख दिया, इधर की साइड में रख दिया। अब यहाँ से आपका आराम से फॉस्फेट जुड़ेगा, यानी कि PO4 जुड़ेगा आपका, एंड फिर इसके बाद एक अल्कोहल जुड़ जाएगा, इसके बाद एक अल्कोहल जुड़ जाएगा। इस प्रकार से जो कि है यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए नेचर ने ये बड़ा ही अच्छा जुगाड़ बना लिया है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। मैंने बताया आपको कि फैटी एसिड हमेशा दो दो मिलेंगे, ठीक है ना, फैटी एसिड हमेशा दो मिलेंगे, बट ग्लिसरॉल बैकबोन आपको एक ही मिलेगी, या तो वो ग्लिसरॉल हो या फिर स्पिंगोसिन हो। अगर ग्लिसरॉल एज ए बैकबोन है तो तब इसको बोलेंगे फोस्फोग्लिसराइड, यानी कि फोस्फोलिपिड को हम दो भागों में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन। अगर हमारे पास ग्लिसरॉल है तो इसको बोलेंगे हम फोस्फोग्लिसराइड, अगर हमारे पास स्पिंगोसिन है तो इसको बोलेंगे स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, तब इसको क्या बोलेंगे, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आया। इसके बाद एक ही फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है और एक ही आपका अल्कोहल पाया जाएगा। अब अल्कोहल कौन सा है, उस अल्कोहल के बेस पर भी हम इसको नाम प्रोनंसिएट करते हैं, जैसे कि सैरीन, कोलीन, इथेनॉल, एमाइन, ठीक है ना। और जो भी आपका अल्कोहल होगा वो आराम से पीछे लग जाएगा, ठीक है ना, यानी कि इसके फास्ट बैकबोन क्या है, बैकबोन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी बैकबोन रहेगी, उस बैकबोन के अकॉर्डिंग आपका फिर इसके बाद जो अल्कोहल रहेगा वो उसके पीछे लग जाएगा, ठीक है ना, वो उसके पीछे लग जाएगा। जैसे कि देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो वो समझो, यहाँ पर देखो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अल्कोहल होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, अल्कोहल है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपका नॉर्मली कुछ नहीं है, अब मैं देखो यहाँ पर जो है ना तो फॉस्फोग्लिसराइड को लेकर के चल रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पर स्पिंगोफॉस्फोलिपिड को लेकर के चल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर बात करूँगा फॉस्फोलिपिड्स की, ठीक है ना। वो आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ लेना कि कहाँ पर क्या पाया जा रहा है। अगर ग्लिसरॉल पाया जा रहा है तब इसको लिखेंगे फॉस्फोग्लिसराइड, अगर स्पिंगोसिन पाया जा रहा है तब इसको लिखेंगे स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नॉर्मल अगर हमारा जो अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप से केवल और केवल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है,
केवल और केवल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे फास्फेटिडिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? फास्फेटिडिक एसिड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर ही, कि मान लो अगर आपका यहाँ पर केवल और केवल हाइड्रोजन जुड़ा है, केवल और केवल हाइड्रोजन जुड़ा है, अभी ये चीज़ भूल जाओ कि ये चीज़ इनका कोई मतलब है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर केवल एक बैकबोन है, वो ग्लिसरॉल भी हो सकती है, स्पिंगोसेंस भी हो सकती है। तो यहाँ पर मान लो आपका कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, केवल और केवल इस ये अल्कोहल किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तब इसको बोलेंगे फास्फोटिडिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? फास्फोटिडिक एसिड बोला जाएगा, ठीक है ना, फास्फोटिडिक एसिड बोला जाएगा। और इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा आपका माइनस के वन, ठीक है ना। चार्ज कैसा आने वाला है, तो वो आने वाला है आपका माइनस का वन। इसके बाद क्या होने वाला है कि फिर आता है आपका, अगर यहाँ पर अल्कोहल कोलीन हुआ, यहाँ पर अल्कोहल अगर कोलीन हुआ, तब इसको बोलेंगे फास्फोटिडिक कोलीन। इसको क्या बोलेंगे? फास्फोटिडिक कोलीन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जैसे कि ये नाम बता रहा है, अगर कोलीन है तब इसको बोलेंगे फास्फोटिडाइल कोलीन, ठीक है ना। यहाँ पर अगर एक है तो टिडिक है, और अगर एक से ज़्यादा है तब आपके टिडाइल लग जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सफिक्स में ध्यान दे लेना, सफिक्स में क्या लिखा हुआ है उसी के बेस पर यहाँ पर आपका टिडाइल लग जाएगा। अगर एक है तो टिडिक है, और अगर आपका एक से ज़्यादा है तो सब में देखो टिडाइल सब में लगने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये अल्कोहल अगर आपका इथेनॉल एमाइन हुआ, तब इसको बोलेंगे फास्फोटिडाइल इथेनॉल एमाइन। एक बात, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको क्या चीज़ याद रखनी है, तो भाई साहब ये जो नाम लिखे है ना मैंने ब्रैकेट में, यहाँ पर पूछता है एग्जामिनर आपको नाम देगा फास्फोटिडाइल कोलीन, और इसका नाम पूछ लेगा कि फास्फोटिडाइल कोलीन को और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको पता है कि फास्फोटिडाइल कोलीन को लेसिथीन के नाम से जाना जाता है, तो आपके दो नंबर हो जाते हैं पूरे, ठीक है। एक सेकंड में मैं आता हूँ, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से नाम याद रखना है कि फास्फोटिडाइल कोलीन को लेसिथीन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इथेनॉल एमाइन को हम फास्फोटिडाइल इथेनॉल एमाइन के नाम से जानते हैं, और इसको बोलते हैं सेफेलिन। इसको क्या बोलेंगे? सेफेलिन। इसी प्रकार से अगर अल्कोहल आपका सैरीन हुआ, तब बोलेंगे उसको फास्फोटिडाइल सैरीन, ठीक है ना। अगर आपका ग्लिसरॉल हुआ, देखो अब ग्लिसरॉल आ गया एज ए अल्कोहल, ठीक है, तो तब इसको बोलेंगे फास्फोटिडाइल ग्लाइसिटोल, ठीक है ना, तब इसको बोलेंगे ग्लाइसिटोल। इसके बाद फास्फोटिडाइल ग्लिसरॉल आ गया, तो इसको देखो फास्फोटिडाइल ग्लिसरॉल तो हमारा पहले से था, अब इसको बोलेंगे अब डाई, क्योंकि दो हो गए हैं फास्फोटिडाइल ग्लिसरॉल, तब इसको हम कहेंगे डाई फास्फोटिडाइल ग्लिसरॉल। इसको हम कार्डियोलिपिन के नाम से भी जानते हैं। चार्ज इंपॉर्टेंट है, चार्ज भी याद रख लेना कि आपका जो वाटर होता है, अगर आपका केवल हाइड्रोजन है तो वहाँ पर आपका फास्फोटिडिक एसिड कहलाएगा और चार्ज आएगा माइनस के वन, और अगर आपका कोलीन है तो कोलीन को हम फास्फोटिडाइल कोलीन के नाम से जानते हैं, और इसको हम लेसिथीन बोल देते हैं, चार्ज होता है जीरो। इथेनॉल एमाइन है, तो इसको हम फास्फोटिडाइल इथेनॉल एमाइन के नाम से जानेंगे, और इसको बोलेंगे सेफेलिन। इसको क्या बोलेंगे? सेफेलिन, चार्ज होता है जीरो। अब अगर फास्फोटिडाइल ग्लिसरॉल आ गया, तो इसको हम कार्डियोलिपिन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन ही नाम याद रखने हैं, लेसिथीन याद रखना है, सेफेलिन याद रखना है, एंड आपको कार्डियोलिपिन याद रखना है। याद रख लेना, कार्डियोलिपिन पे आपके माइनस के टू चार्ज होते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट आपसे चार्ज भी पूछे जाते हैं, तो ये चार्ज भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक इतना नहीं पढ़ा था लिपिड में, तो इसका मतलब है कि आप सही से तैयारी नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये चार्ज ही पूछे जाते हैं आपसे, अगर आप क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो। चलिए अब देखो, हमने पूरा पढ़ लिया है कि फास्फोलिपिड किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। बैकबोन के हिसाब से भी हम इसको प्रनन्सिएट कर सकते हैं, ग्लिसरॉल होगा तो फास्फोग्लिसराइड, एंड अगर आपका स्फिंगोसिंस होगा तो स्फिंगो फास्फोलिपिड्स के नाम से जानते हैं। एक अल्कोहल होता है, अल्कोहल आपका सैरीन कोलीन इथेनॉल एमाइन हो सकता है, आपका अल्कोहल ग्लिसरॉल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इसके बाद देखो हम आगे बढ़ेंगे, अब ये भी हमारा हो गया, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके बाद फास्फोलिपिड्स मैंने अब कुछ यहाँ पर आपके जो है स्टेटमेंट लिखे हैं, वे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट।
तो देखो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड आर मेजर क्लास ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड, यानी कि जो आपका सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड होता है वो मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड आर द मोस्ट एब्यूडेंट लिपिड इन मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इसका पहला स्टेटमेंट एंड दूसरा स्टेटमेंट सेम ही है, बट लिखने की देखो लिखने का कंडीशन क्या है, ठीक है। दे आर ड्राइव फ्रॉम ग्लिसरॉल जो कि 3 कार्बन का होता है और उसके साथ एक एल्कोहल जुड़ा हुआ होता है, या फिर स्फिंगोसिन जो कि कॉम्प्लेक्स होता है आपका एल्कोहल का, ठीक है ना। इसके बाद फॉस्फोलिपिड्स ड्राइव फ्रॉम द ग्लिसरॉल आर कॉल्ड द फॉस्फोग्लिसराइड। एंड अगर आपका कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स क्या क्या होते हैं, तो ग्लिसरॉल बैकबोन होते हैं जिस तरह 2 फैटी एसिड जुड़े हुए होते हैं, एंड आपका फॉस्फोरिलेटेड अल्कोहल होता है यानी कि फॉस्फेट के साथ अल्कोहल होता है जिसको हम पोलर हेड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पोलर हेड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास 2 फैटी एसिड होंगी, एक ग्लिसरॉल होगा, एक फॉस्फेट होगा, एंड एक ही आपका एल्कोहल होने वाला है। और ये चारों के चारों कंपोनेंट मिलकर के क्या बना देंगे? ये बनाएंगे आपका फॉस्फोलिपिड को, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर एक और यहाँ पर डायग्राम दिया गया है कि बैकबोन में आपका ग्लिसरॉल रखा गया है एंड 2 फैटी एसिड जोड़ दी गई है, एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा गया है, एक आपका एल्कोहल जोड़ा। बैकबोन क्या है उसी के नाम से प्रोनंसिएशन करना है, ठीक है ना। बस कुछ नहीं ज़्यादा, बैकबोन देखना है और अल्कोहल देखना है। अगर नाम को हमें प्रोनंसिएशन करना है तो हम जो आपका बैकबोन है उसको देखना है, एंड अल्कोहल कौन सा है उसको देखना है, और अल्कोहल पे चार्ज कौन सा है वो देखना है। जैसे कि कार्डियोलिपिन, अभी मैंने कार्डियोलिपिन बताया, उस पर चार्ज कितना था आपका? उस पर चार्ज था आपका -2। लेसिथिन पर चार्ज कितना था? लेसिथिन पर चार्ज था आपके -1, ठीक है ना। तो कभी सॉरी लेसिथिन पर चार्ज आपका 0 था। तो कभी कभी ये चार्ज आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर आपका नॉर्मल हाइड्रोजन हुआ तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा आपका -1, ठीक है ना। और इसी के अकॉर्डिंग ही हम जो है आपका जो फॉस्फोलिपिड होती है उसको प्रोनंसिएशन कर सकते हैं, उसको प्रोनंसिएट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर कुछ और लिखे हैं फॉस्फोलिपिड के, ये जितना भी लिखा हुआ है मैं इसको बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। नहीं यकीन आता तो पढ़ लेते हैं भाई, कि द लेंथ एंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड ऑफ फैटी एसिड चैन इन द मेम्ब्रेन लिपिड हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ मेम्ब्रेन फ्लूडिटी। अब मेम्ब्रेन फ्लूडिटी को वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके सेल मेम्ब्रेन में, मगर यहाँ पर भी देखो जो आप याद रख लेना, मान लो ये कोई आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये कोई आपकी सेल मेम्ब्रेन है। आपको पता होगा के बाई लेयर की बनी होती है, बाई मतलब 2 और लेयर मतलब लेयर, ठीक है ना, यानी कि 2 लेयर की बनी हुई होती है। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो इसका जो अंदर वाला भाग होता है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ये कैसा नेचर का होगा? ये आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, ठीक है ना। और जो सरफेस का एरिया होता है वो होता है आपका हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये जो बाहर का एरिया है इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक, जो वाटर से लव करता हो। बट ये जो आपका अंदर का एरिया चमक रहा है इसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक नेचर बोलेंगे। और याद रख लेना कि मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूडिटी प्रोवाइड कराता है, जो भी फ्लूडिटी मतलब जो भी आपका मटेरियल है वो फ्लूड की तरह काम करे, यानी कि वो थोड़ा बहता जाए, हिल डुल सके, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है? वो प्रोवाइड कराता है आपका लिपिड, ठीक है ना। तो फ्लूडिटी कौन प्रोवाइड कराता है? लिपिड। जबकि इस बाइलेयर में मोजिकनेस कौन प्रोवाइड कराता है? तो मोजिकनेस को याद रख लेना, मोजिकनेस आपका प्रोटीन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। चाहे वो पेरिफेरल प्रोटीन हो चाहे फिर वो इंटीग्रल प्रोटीन हो, ठीक है ना। तो मोजिकनेस कौन प्रोवाइड कराता है मेम्ब्रेन के अंदर? वो करवाता है आपका प्रोटीन। एंड फ्लूडिटी कौन प्रोवाइड कराता है? वो करवाता है आपका लिपिड। तो बस अब इस लिपिड की फ्लूडिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि यहाँ पर जो ये हाइड्रोफोबिक रीजन पाया जा रहा है यहाँ पर मूवमेंट कैसी होती है? यहाँ पर अगर देखो, अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा दे देंगे तो मूवमेंट जो है यानी कि फ्लूडिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम दोगे तो मोबिलिटी बहुत कम होगी, ठीक है ना। मोबिलिटी बहुत कम होने वाली है, बस यही हमको पढ़ना है जो कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको बताएंगे, ठीक है।
इसके बाद इन जनरल इंक्रीजिंग चैन द लेंथ विल बी इंक्रीज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फैटी एसिड। यानी कि देखो, अगर चैन लेंथ हमारी इंक्रीज होती गई, यानी कि हाइड्रोकार्बन जिसको हमने फैटी एसिड बोला है, वो अगर उसमें कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो हमारा TM यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है ना, इस पहले पॉइंट का मतलब ये ही है। इसके बाद एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड विल डिक्रीज द TM, यानी कि अगर डबल बॉन्ड उस चैन के अंदर, उस हाइड्रोकार्बन चैन के अंदर आ रहा है, तो TM हमारा डिक्रीज होने वाला है। ठीक है ना, TM हम कैसा होगा, डिक्रीज होगा। देयरफॉर द प्रेजेंस इन मेम्ब्रेन लिपिड ऑफ फैटी एसिड दैट कंटेन डबल बॉन्ड हेल्प्स मेंटेन द फ्लूड नेचर ऑफ दोज लिपिड्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी फैटी एसिड चैन होती है, फिर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, तो वो जो है इफेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को। ठीक है ना, वे क्या करते हैं, मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को इफेक्ट करते हैं। एट फिजियोलॉजिकल pH, फिजियोलॉजिकल pH क्या होता है, जहाँ पर आपकी न्यूट्रल कंडीशन बन जाए, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल pH। द COOH यानी कि इसका जो न्यूट्रल कंडीशन रहेगी वो रहेगी 4.8 आयनाइज बिकमिंग COO नेगेटिव। इट हैज़ द एफिनिटी फॉर H2, इट्स गिव्स फैटी एसिड एज ए एम्पीपैथिक नेचर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका वाई लेयर होता है, मेम्ब्रेन वाई लेयर होता है, वो आपकी एम्पीपैथिक नेचर की होती है। एम्पीपैथिक नेचर क्या होता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो और जिसके पास नेगेटिव चार्ज भी हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्पीपैथिक नेचर। तो किस प्रकार से एम्पीपैथिक नेचर होता है, कौन इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है, कौन इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है, वो हम देखेंगे अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। द लॉन्गर द फैटी एसिड चैन, मोर हाइड्रोफोबिक द चैन इज। यानी कि जितनी आपकी जो फैटी एसिड की चैन लॉन्गर होगी, आपका हाइड्रोफोबिसिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। ठीक है ना, सिंस मोस्ट ऑफ देम आर लॉन्ग चैन फैटी एसिड एंड हाई लीन सोल्यूबल इन वाटर, दे आर ट्रांसपोर्ट इन द सर्कुलेशन विथ एल्बोमीन। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब है देखो कि आपकी जितनी भी हाइड्रोफोबिक चैन जो है वो जितनी लंबी होती चली जाएगी, वो वाटर में उतना ही कम सोल्यूबल होगा। ठीक है ना, और यही हेल्प करता है आपके एल्बुमिन के ट्रांसपोर्टेशन को। ठीक है ना, यही आपको ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करता है। इसके बाद स्टिल मोर फॉस्फोलिपिड के यहाँ पर कुछ और बताया गया है, तो बेसिकली चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, जब उखल में मुंह दे दिया तो मुश्किल से क्या घबराना, एक कहावत है गांव में, मतलब जो फॉस्फोलिपिड पढ़ना है तो अब तो इसकी वाल की खाल देखनी पड़ेगी। बिकॉज दे आर आयनाइज्ड एज फिजियोलॉजिकल pH, टू कॉमन फैटी एसिड, यानी कि यहाँ पर पाल्मिटिक, एक आपका पाल्मिटेट होता है, एक ओलिक होता है जिसको हम ओलिएट बोल देते हैं। C18 वन बॉन्ड, आपका वन डबल बॉन्ड होता है, जबकि पाल्मिटिक में आपका कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका पाल्मिटिक होता है ये सैचुरेटेड होता है, और जो आपका ओलिक होता है ये कैसा होता है, अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो CH2OH, यानी कि आपके ग्लिसरॉल से क्या होने वाला है, ग्लिसरॉल के पास आपके जो है तीन कार्बोक्जेलिक आकर के जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, तीन कार्बोक्जेलिक आकर के जुड़ सकते हैं। द OH1 and 2 आर इसेंशियल टू द COOH ग्रुप ऑफ टू फैटी एसिड और एक जो आपका फॉस्फेट। यानी कि इस ग्लिसरॉल से हम कह सकते हैं कि आपका क्या होने वाला है, कि एक तो आकर के, दो से तो आकर के जुड़ जाए फैटी एसिड तो कोई बात नहीं है, एक से पैल्मिटिक जुड़ जाए, एक से ओलिक जुड़ जाए, तब हम कह सकते हैं कि चलो भाई ठीक है। इसके बाद एक आपका जो ग्रुप है इससे आकर के अगर आपका जुड़ रहा है क्या, इससे अगर आपका आकर के जुड़ रहा है फॉस्फेट, ठीक है ना, तो अब तब आपका जो है फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। फॉस्फोटिडेट जो होता है सिंपलेस्ट फॉस्फोग्लिसराइड एंड की इंटरमीडिएट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर फॉस्फोग्लिसराइड। यानी कि सबसे पहले आपका फॉस्फोटिडिक बनेगा, जहाँ पर एल्कोहल आपका कैसा होने वाला है, एल्कोहल आपका होने वाला है वाटर। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। अब देखो यहाँ पर कुछ इन्होंने एल्कोहल के एग्जाम मतलब स्ट्रक्चर दे रखी है, लाइक सैलिन की कैसी होती है, इथेनॉल एमाइन की कैसी होती है, कोलिन की कैसी होती है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है चार्ज देखो, ठीक है ना, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है चार्ज देखो, और जब आप अगर चार्ज को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वैसे तो इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी इच्छा इनको याद रखो या फिर ना रखो, वो केवल आप पे डिपेंड करता है, मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है इनको याद करने की।
अब यहाँ पर अगर सेरीन जुड़ा हुआ है फोस्फेट से, अब अगर यहाँ पर सेरीन जुड़ा हुआ है इस फोस्फेट से तब इसको बोलेंगे फॉस्फेटिडाइल सेरीन, अगर आपका कोलीन जुड़ा हुआ है इस फोस्फेट से तब इसको बोलेंगे फॉस्फेटिडाइल कोलीन। यहाँ पर चार्ज देखते रहो कि चार्ज किस बेस पर है, ठीक है ना। जो मैंने चार्ज लिखा था चार्ज फॉस्फेटिडाइल सेरीन है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव कट और सेरीन है, एक फॉस्फेट बचा यानी कि एक निगेटिव चार्ज आने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन क्या है आपका, एक पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर आ रहा है, एक निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे, फॉस्फेटिडाइल कोलिन पर फिर आपका कोई भी चार्ज नहीं बचने वाला है, ठीक है ना। इसी तरह फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन आ जाता है आपका, ठीक है ना। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज दोनों कट हो जाएंगे, यानी कि चार्ज ऑटोमेटिकली आपका जीरो होने वाला है। फॉस्फेटिडाइल इनेसिटोल पर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा केवल और केवल। इसके बाद क्या है, डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, जिसको हम कार्डियोलिपिन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मैंने आपको चार्ज दो चार्ज बताए थे, तो देखो एक चार्ज नेगेटिव ये रहा, एक चार्ज नेगेटिव ये रहा, ठीक है ना। यानी कि देखो एक चार्ज नेगेटिव आपका ये रहा, एक चार्ज नेगेटिव ये रहा, डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल जिसको हम कार्डियोलिपिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इन्होंने कुछ दे रखा है, लेकिन उसमें भी इन्होंने स्फिंगोमाइलिन के बारे में दे रखा है। स्फिंगोमाइलिन मतलब कि मैंने जो आपको बताया था जो बैकबोन है, या तो वो स्फिंगोसिन्स की बनी हुई होती है, अगर स्फिंगोसिन्स की बनी हुई है तब इसको बोलेंगे स्फिंगोमाइलिन, यानी कि स्फिंगोमाइलिन इज ए फॉस्फोलिपिड फाउंड मेम्ब्रेन दैट इज नॉट ड्राइव फ्रॉम ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल से आपका ड्राइव नहीं होता है, इंस्टेड इसकी जगह द बैकबोन इन स्फिंगोमाइलिन इज द स्फिंगोसिन, यानी कि अगर आपका स्फिंगोसिन स्फिंगोमाइलिन है, सॉरी स्फिंगोमाइलिन है, तो ये कहाँ से ड्राइव हो रहा है आपका, स्फिंगोसिन से ड्राइव हो रहा है। एन अमाइनो एल्कोहल दैट कंटेन ए लॉन्ग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चैन इन स्फिंगोमाइलिन द अमाइनो ग्रुप ऑफ द स्फिंगोसिन बैकबोन इज लिंक्ड टू द फैटी एसिड वाई एन एमाइड बॉन्ड। अब याद रख लेना जो आपका ग्लिसरॉल था पीछे, जो ग्लिसरॉल था वहाँ पर आपका एस्टर बॉन्ड होता, बट यहाँ पर स्फिंगोमाइलिन में क्या है आपका एमाइड बॉन्ड होने वाला है, ठीक है ना। तो बॉन्ड का डिफरेंस है, स्फिंगोसिन यानी कि बैकबोन का डिफरेंस है, ये दोनों डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। और बॉन्ड किस में बनना है वो देखो, इन स्फिंगोमाइलिन द अमाइनो ग्रुप ऑफ द स्फिंगोसिन बैकबोन इज लिंक टू द फैटी एसिड, जो आपका फैटी एसिड से लिंक हो रहा है, यानी कि देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो ये फैटी एसिड है, अगर यहाँ पर एस्टर बॉन्ड बनना है, यहाँ पर कैसा बॉन्ड बनना है, अगर ग्लिसरॉल है तब बनेगा यहाँ पर एस्टर बॉन्ड, तब क्या बनेगा यहाँ पर एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर इसकी जगह ग्लिसरॉल की जगह मैं यहाँ पर काट करके स्फिंगोसिन कर दूँ, इसको क्या कर दूँ स्फिंगोसिन कर दूँ, तब ये जो फैटी एसिड ज्वाइंट होंगे, तब ये जो फैटी एसिड ज्वाइंट होंगे तब इनमें जो बॉन्ड बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आपका एमाइड बॉन्ड, ठीक है ना। वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, एमाइड बॉन्ड। आई होप आपको एमाइड बॉन्ड के बारे में पता हो कि एमाइड बॉन्ड आपको किसको बोलते हैं, CONH को आपका एमाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो मैं ये आपको बताता रहता हूँ बातें, तो इनको आप थोड़ा याद रखने की कोशिश करा करो, ठीक है। तो अगले जो हमारा ये वाला जो हमारा डायग्राम था इसमें केवल यही लिखा हुआ था, और स्फिंगोमाइलिन को आपको ज़्यादा मतलब इतना वो याद रखने की कोशिश मत कर लेना। और ये स्फिंगोमाइलिन जो आपका नर्व सेल में ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है ना, नर्व सेल में आपका स्फिंगोमाइलिन ही पाया जाता है। इसके बाद आपका आता है ग्लाइकोलिपिड, ठीक है ना। अब तक हम फॉस्फोलिपिड पढ़ चुके हैं, अब दूसरा देखते हैं हम ग्लाइकोलिपिड, ठीक है ना। तो ये दूसरा है, इस बात को आपको याद रखना है। अब ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है कि ग्लाइकोलिपिड एज देयर नेम इम्प्लाइज द शुगर कंटेनिंग लिपिड, यानी कि लिपिड के साथ यहाँ पर शुगर होता है, फॉस्फेट नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर लिपिड के साथ शुगर होता है, फॉस्फेट नहीं होता, और ये जो शुगर है ये मोनोसैकराइड्स हो सकता है, ये जो शुगर है ये आपका ओलिगोसैकराइड्स हो सकता है, ठीक है ना। उसी के बेस पे इसके भी काफ़ी सारे नाम हैं, ठीक है। तो लाइक स्फिंगोमाइलिन, अब देखो ये भी आपका दो, अगर बैकबोन यहाँ पर भी क्या होगी, बैकबोन या तो ग्लिसरॉल की हो या फिर सॉरी बैकबोन या तो यहाँ पर शुगर की हो या फिर बैकबोन यहाँ पर स्फिंगोमाइलिन की हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैकबोन जो है वो या तो आपकी जो है वो किसकी हो सकती है, वो या तो हो सकती है आपकी ग्लिसरॉल, यहाँ पर भी ग्लिसरॉल आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर या तो ग्लिसरॉल की हो या फिर स्फिंगोसिन की हो, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हम दो भागों बांट सकते हैं।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्लाइकोलिपिड एज देयर नेम इम्प्लाइज आर शुगर कंटेनिंग लिपिड लाइक स्फिंगोमाइलिन द ग्लाइकोलिपिड इन एनिमल सेल आर ड्राइव फ्रॉम द स्फिंगोसिन। जो आपकी ग्लाइकोलिपिड होती है मोस्टली उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है स्फिंगोसिन, जबकि जो आपकी जो फॉस्फोलिपिड था उसमें सबसे ज़्यादा फॉस्फोग्लिसराइड पाया जाता, इस बात को याद रखना है। और ग्लाइकोलिपिड में सबसे ज़्यादा आपका स्फिंगोसिन पाया जाता है। द अमाइनो ग्रुप ऑफ आपका स्फिंगोसिन बैकबोन आर एसिलेटेड बाई ए फैटी एसिड एज इन स्फिंगोमाइलिन। और जो ग्लाइको आपका ग्लाइकोलिपिड होता है वहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, वहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो बनता है एसिलेटेड, ठीक है ना, बॉन्ड होता है आपका एसिलेटेड। बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें, बाकी इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो फिर इन्होंने मतलब एक और स्लाइड रखी हुई है स्फिंगोलिपिड के बारे में, चलो वो भी देख लेते हैं। स्फिंगोलिपिड क्या है, स्फिंगोलिपिड मतलब अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड की। एक प्रकार का टाइप आपका ये ग्लाइकोलिपिड का, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। अभी मैं आपको आगे एक सेपरेट डायग्राम देने वाला हूँ और उस डायग्राम के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ समझाऊंगा मैं, ठीक है ना, तो इसलिए आपको जो है घबराने वाली जरूरत है नहीं है। यहाँ पर स्फिंगोमाइलिन इज द ओनली फॉस्फोलिपिड इन मेम्ब्रेन दैट इज नॉट ड्राइव फ्रॉम ग्लिसरॉल, ठीक है ना। इंस्टेड द बैकबोन इज स्फिंगोसिन एंड अमीनो अल्कोहल दैट कंटेन ए लॉन्ग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चैन। यानी जो आपका स्फिंगोमाइलिन होती है वो उसमें क्या होता है, उसमें आपका ग्लिसरॉल नहीं पाया जाता, बैकबोन की जगह आपका कौन पाया जाता है, स्फिंगोलिपिड्स आपका स्फिंगोसिन्स पाया जाता है, ठीक है ना। आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन ब्रेन एंड नर्व टिश्यू। जो आपका स्फिंगोलिपिड होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, नर्व एंड जो ब्रेन होता है, ब्रेन एंड नर्व टिश्यू में पाया जाता है। और द हाइड्रोलाइसिस नो ग्लिसरॉल प्रेजेंट। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जब हम इसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमें ग्लिसरॉल देखने को नहीं मिलने वाला है। इसके क्या होते हैं कि मैनी मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल आर शुगर कंटेनिंग लिपिड सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट्स ड्राइव फ्रॉम स्फिंगोसिन कंटेन सिरामाइड एंड वन और मोर शुगर लुक लाइक स्फिंगोमाइलिन इंस्टेड ऑफ फॉस्फोराइल कोलिन दे हैव ए शुगर यूनिट। यानी कि मैंने कितनी जल्दी जल्दी क्या पढ़ दिया, तो भैया वो देखो इन्होंने क्या कहा कि आपके जो मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन में आपका ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, नंबर वन बात, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, आपका शुगर कंटेंट लिपिड होते हैं या फिर आपका जो सेल सरफेस होती है उस पर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम MHC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। MHC क्या होता है, जब हम आपका इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तब हम देखने वाले हैं MHC मेजर हिस्टोकम्पलेटिविटी, ठीक है ना। इसके बाद ड्राइव फ्रॉम द स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन से ड्राइव होते हैं आपके कंटेन सिरामाइड, आपके सिरामाइड रखते हैं, ठीक है ना। सिरामाइड्स क्या होते हैं, आपके स्फिंगोसिन से ड्राइव होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर आपका एक और एक से ज़्यादा शुगर पाया जाता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, जिसमें आपको स्फिंगोफॉस्फोलिपिड के यहाँ पर कुछ डिजीज दी गई है, ठीक है ना। ये डिजीज आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ पर याद रखने वाली ये बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है, तब जा कर के आपको ये डिजीज हो रही है। तो यहाँ पर पहली डिजीज जैसे कि आपको है टे सैक डिजीज क्या होती है, तो ये होती है अगर आपके शरीर के अंदर वीटा एंड एसिटाइल है जो अमाइनिडेज की अगर कमी हो गई, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये जो आपकी आपके जो है ये सारे के सारे क्या है, ये आपके देखो ये कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि यहाँ पर ग्लाइकोसाइड GM2 का क्या होगा, यहाँ पर ग्लाइकोसाइड GM2 इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे गैंग्लियोसाइड GM2। और अगर ये इकट्ठा कैसे होंगे, जब आपके लाइसोसोम में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लाइसोसोम्स क्या करता है, लाइसोसोम्स लिपिड को ब्रेक करता है, यानी कि जितने भी आपके अनैच्छिक या फिर अनवांटेड आपके लिपिड बनते जा रहे हैं, यानी कि जितने भी आपके शरीर में लिपिड इकट्ठा होते जा रहे हैं, उनको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाइसोसोम्स आपका इन लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जो है मतलब
सही से इनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, और ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा ये लाइसोसोम्स, तो क्या होगा आपके शरीर में इनकी मात्रा जो है बढ़ जाएगी। और अगर इनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो यहाँ पर देखो मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपका एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होने लगेगी, ठीक ना। एक समय ऐसा आएगा कि जो आपका एंजाइम है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, और जब ये एंजाइम्स ख़त्म हो जाएगा तब फिर आपको होगी बीमारी, ठीक है ना, तब आपको होगी बीमारी। तो देखो जब आपके इस एंजाइम्स की कमी हो जाएगी, जिसका नाम बीटाइन एसिटाइल हेक्सोसा अमीनिडेज है, तो यहाँ पर आपको टेस्ट सैक डिजीज हो जाएगी, और ये डिजीज़ जो है कि होती है आपकी वो जेनेटिक्स होती है, ठीक है ना, जेनेटिकली होती है, यानी कि माँ बाप से बच्चों में आ जाती है, ठीक है ना, तो इस बात को भी आपको याद रखना। फिर गाउचर डिजीज़, इसको इस इसमें क्या होता है कि बीटा ग्लूकोसाइडेज की कमी होती है, और इसमें क्या है, किस चीज़ का इंक्रीज होता है कि आपका ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स, जो आपका ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स होता है उसमें जो है इंक्रीजनेस आ जाती है। फिर आपकी फेवरेट डिजीज होती है जो कि आपकी अल्फा गैलेक्टोसाइटेज ए, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड्स विथ अल्फा गैलेक्टोसाइल मोइटीज। अब देखो इनको याद कैसे करा जाता है, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई न्यूमोनिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है ना कोई न्यूमोनिक्स बनाना पड़ेगा जिसकी सहायता से आप इसको याद करने की कोशिश करो। अगर मैं यहाँ पर न्यूमोनिक्स बनाने की कोशिश करूँ, देखो वैसा तो एकदम से नहीं बनेगा, बट यहाँ पर आप जैसे गाउचर डिजीज है, ठीक है ना, गाउचर का जी ले लो और बीटा ग्लूकोज का यहाँ पर जी ले लो, ठीक है ना, और ग्लूको का जी ले लो, तो ट्रिपल जी इसको हम कह सकते हैं क्या, हाँ इसको हम ट्रिपल जी के कह सकते हैं कि गाउचर है, गाउचर में आपका वी गैलेक्टोसाइटेज की कमी का है और इसमें इंक्रीजिंग होगी आपकी ग्लूकोसेरेब्रोसाइट्स, ठीक है ना, ग्लूकोसेरेब्रोसाइट्स जो आपका इंक्रीज होने वाला है, ठीक है ना, तो इस बात को आप याद रखें। जैसे फेब्री डिजीज है, फेब्री में आपका गैलेक्टोसाइडेज है, फेब्री में क्या है आपका गैलेक्टो जी ए एल है, गैलेक्टो एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड विथ अल्फा गैलेक्टोसाइल। एक काम करना आप अपनी तरफ से एक निमोनिक्स बनाना कोई अच्छा सा, और उसको कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है ना, आपका जो भी समझ आएगा आधा घंटा एक घंटा, क्योंकि मैंने भी इसका निमोनिक्स नहीं बताया, मेरी याद तो ऐसे ही है ये, ठीक है ना, मैंने ऐसे ही कर लिया था ये याद, तो मुझे निमोनिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट इसको मैं कहूँगा आपसे कि आपको निमोनिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको क्या होगा कि निमोनिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक मेरा जो है ये माइक उधर रखा था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, हो सकता है आपको थोड़ी कम आवाज़ आई हो, बट कोई नहीं, इसको सहन करना, ठीक है ना। इसके बाद नियमन पिक डिजीज है, तो वो देख लेना, स्पिंगोमाइलिनेज से होती है। फिर आपकी एल सेल डिजीज है जो कि आपकी एल एसिटाइल ग्लूकोसामाइनेज 1-फॉस्फोट्रांसफरेज की वजह से होती है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डिजीज है, इनको याद रखने की कोशिश कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, फिर आ जाता है आपका स्टेरॉयड। स्टेरॉयड्स क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है। स्टेरॉयड प्ले मैनी फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट रोल, जैसे कोलेस्ट्रॉल इज द वेस्ट नोन, द स्टेरॉयड इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक बट नॉट मोस्ट प्रोकैरियोटिक बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इवॉल्व आफ्टर द अर्थ एटमोसफेयर बिकम एरोबिक। यानी कि कोलेस्ट्रॉल आपका कब बना, कोलेस्ट्रॉल आपका जब बना जब पृथ्वी पर आपके एरोबिक कंडीशन आई, ठीक है ना, बट प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, थोड़े अनैरोबिक होते हैं, यानी कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाया जाता, ठीक है ना, तो इतनी बात याद रख लेना। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेरॉयड इंक्लूड, इसमें इंपॉर्टेंट स्टेरॉयड्स क्या होते हैं, लाइक वाइल्ड एसिड्स होता है, एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, इसके साथ साथ आपके जो है विटामिन डी होता है, आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होता है, एंड कोलेस्ट्रॉल, ये सब किसके नाम है, ये सब आपके स्टेरॉयड्स के नाम है, ठीक है ना, स्टेरॉयड्स के नाम है। जब आप किसी जिम में जाते हैं वहाँ पर आपको स्टेरॉयड दिए जाते हैं, ठीक है, स्टेरॉयड भी दिए जाते हैं। कुछ सेक्स जब कभी कभी क्या होता है कि सेक्स टाइमिंग बढ़ाने के लिए भी आपको स्टेरॉयड्स दिए जाते हैं, बट वे बाद में जो है आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन में विटामिन डी को उत्पन्न करने के लिए भी आपको स्टेरॉयड बाहर से दिए जाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि आपका अगर कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स भी आपका एक प्रकार का स्टेरॉयड है, ठीक है ना, तो इतनी बात आप याद रख लेना। मोर स्टेरॉयड में हमारा कोलेस्ट्रॉल आता है जो कि हमारे अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। फिर अर्गोस्ट्रॉल आता है जो कि आपका मेनली फंजाई के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना।
तो आप इतनी बात याद रख सकते हो। अब ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स है, तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्या क्या होती है हम बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बट आप इसको अपनी तरफ से पढ़ सकते हो, जैसे कि कॉमन फीचर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होता है कि मेजर मेम्ब्रेन लिपिड, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड फास्फोलिपिड से मिलकर के बनी हुई होती है। जो डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मेम्ब्रेन, जो डायनेमिक प्रॉपर्टी होती है यानी कि फ्लूडिटी होती है, वो ड्यू टू लिपिड के कारण होती है। मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती है, पेरिफेरल हो सकती है और इंटीग्रल हो सकती है। क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बात करेंगे, लिपिड वेसिकल्स वेसिकल्स बनते हैं जिसको हम लिपोसोम्स बोल देते हैं। तो एक्चुअली मैं इसको आपको जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तभी बताने की कोशिश करूँगा। थोड़े और कॉमन फीचर्स हैं ये भी आप देख सकते हो। अब देखो एक डायग्राम जो कि आपको बहुत कुछ बताने वाला है। यहाँ पर हमने फास्फोलिपिड पढ़ा, ग्लाइकोलिपिड पढ़ा एंड आपका स्टेरॉइड पढ़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फास्फोलिपिड भी आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। फास्फोलिपिड भी आपका दो प्रकार का होता है, ग्लाइकोफास्फोलिपिड या फिर आपका ग्लाइकोलिपिड्स हैं, तो वो भी आपका दो प्रकार का होता है स्पेसिफिकली, ठीक है ना। या तो आपका जो है स्पिंगोलिपिड्स हो सकता है जो मोस्टली पाया जाता है, जिसकी हम मोस्टली बात करते हैं। बट अगर ये नहीं है तो आपका ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड भी होता है, ठीक है ना। तो आप अपनी तरफ से देख लेना। और स्पिंगोलिपिड में सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि आपका केवल और केवल एक ही फैटी एसिड जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। इस स्पिंगोलिपिड में एक ही फैटी एसिड जुड़ा हुआ होता है। अगर ये ग्लाइकोलिपिड्स का है, अगर ये ग्लाइकोलिपिड्स का है तो यहाँ पर आपको फॉस्फेट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको नॉर्मल से ग्लूकोज देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गैलेक्टोज, ठीक है। और अगर ये आपका फॉस्फोलिपिड का है तो यहाँ पर आपको फॉस्फेट देखने को मिलेगा और उससे एक अल्कोहल आपका अटैच होगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको बस याद रखनी है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आई थिंक ये हाँ यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपकी जो मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है वो समाप्त हो गई है। अब बात करेंगे हम इकेसोनोइड के बारे में कल, ठीक है। और कल ही आपका लिपिड मतलब ये फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए चलेंगे। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते रहो। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर ही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।